नरसिंहपुर के रौसरा पंचायत के अंतर्गत विपतपुरा ग्राम में बनी वर्धमान सिटी के रहवासी अपने आप को कोरोनाइजर के हाथों ठगा महसूस कर रहे हैं और प्रशासन से बार बार शिकायतों के बाद भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली तो अपने अपने घरों के सामने चुनाव बहिष्कार के पर्चे चस्पा कर सामूहिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और मान मनोबल का दौर शुरू हो गया। किस बात को लेकर वोट बंदी की बात की जा रही है, चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है? हम लोग वर्धमान नगरवासी हैं और करीब दिसंबर 2015 से हमारे यहाँ टीसी कनेक्शन चल रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग में जाते हैं तो वहाँ से हम लोगों को निरुत्तर करके भेज दिया जाता है कि आपकी कॉलोनी में अभी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा नहीं है, आपकी लाइन अभी चालू नहीं होगी, इसलिए आपको परमानेंट कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। जिसके चलते ओझा जी से भी कई बार संपर्क किया गया, कॉलोनाइजर से भी कई बार संपर्क किया गया, यहाँ तक कि सीएम हेल्पलाइन पर भी हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट डाली थी। करीब 4-5 लोगों ने मिलकर, जो कि खंबे से 150 फुट की रेंज में आते हैं, उन क्योंकि विद्युत विभाग का ये नियम भी जानकारी में आया था कि 150 फुट के अंदर यदि आपका मकान है तो आपको कनेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन वो भी हमको ओझा जी के द्वारा निरुत्तर कर दिया, मना कर दिया गया कि हम नहीं दे सकते हैं। उनका कहना है कि पूरी कॉलोनी की जब तक लाइन चालू नहीं होगी तब तक कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। और क्या समस्याएं हैं इसके अलावा? यहाँ पर अभी तक रोड भी नहीं बना, पानी की सप्लाई भी नहीं है, नालियाँ भी आधी अधूरी बनी हैं, जिनके चलते पूरे कॉलोनी वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या फैसला लिया है? हम लोगों का फैसला यही है कि जब तक हमारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। बेटा कहाँ से आ रहे हो? ये अंकल मैं कोचिंग से आ रही हूँ। क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर? रोड में बहुत ही गड्ढे रहते हैं, बरसात में यहाँ पानी भर जाता है और ऐसे भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, स्कूटी हम अच्छे से चला नहीं पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है कोचिंग जाने आने में। क्या परिवार वालों ने क्या फैसला लिया है कि इस बार वोट नहीं देंगे और कुछ नहीं, क्योंकि लोग कुछ कर नहीं रहे, इतने साल से कुछ नहीं हो रहा है तो अब क्या वो कर पाएंगे? प्रशासन भी आया था, प्रशासन आज ही क्यों आया, इतने दिनों से क्यों नहीं आया? जब वोट का टाइम आ गया तो वो लोग आ गए, उनको वोट चाहिए इसलिए वो आए हैं, वो अपने मतलब के लिए आए हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं आए हैं, वो हम लोगों की सेवा के लिए नहीं है, वो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने वोट के लिए आए हैं यहाँ पर, उनको कुछ करवाने नहीं, वो आज बोलकर चले जाएंगे हम करवा देंगे, वोट के बाद वो कुछ नहीं करवा पाएंगे, तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है यहाँ पर। और वो लोग सालों से शिकायत की जा रही है, 3-4 साल से हम लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन उस शिकायत का कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, हम लोगों की कुछ सुधार आ रहे हो या फिर कुछ वो मेंटेन कर रहे हो यहाँ पर? क्या नाम बेटा? ग्रामीण रहवासियों का आरोप है कि वे पिछले 3 साल से यहाँ रह रहे हैं लेकिन आज तक यहाँ सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का ठीक ढंग से लाभ नहीं मिल पाया। वे सरकारी दफ्तरों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक अपना दुखला बता चुके हैं लेकिन सब जिम्मेदारियों से अपने हाथ खड़े करते दिखते हैं। वोट बंदी के नारे को बुलंद किया है और मतदान का बहिष्कार किया है, किन वजह से ये बहिष्कार किया है? वो हम लोग इधर करीब 3 साल से रह रहे हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा तो बिजली के बिल से परेशान हैं, 3-3, 4-4 हज़ार हम लोगों को बिल देना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ सड़कों के लिए ही बोला गया था, अभी तक सड़कें नहीं बनी हुई हैं और ये नालियाँ वगैरह सब खुली डाली हुई हैं, हम लोग के बच्चे हैं छोटे छोटे जिनको बाहर तक नहीं निकाल पा रहे हैं, हम लोग खेलने के लिए पूरे दिन गेट के अंदर रखते हैं कि कहीं जाके नालियों में गिर ना जाए, तो हम लोग 2-3 साल से इसलिए परेशान हैं। अब क्या फैसला लिया है? अब यही फैसला लिया है कि हम लोग मतलब वोट वगैरह कुछ नहीं देंगे और या तो इसका निदान किया जाए कुछ भी हम लोगों की समस्या का। वोट बंदी के ऐलान के बाद से ही प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने विद्युत विभाग से लेकर कॉलोनाइजर तक को मौके पर ही तलब किया, जब जल्द ही मूलभूत सुविधाओं को कॉलोनी में दुरुस्त कराने का भरोसा दिलाते हुए रहवासियों को मनाने में जुटे हुए हैं। सर क्या इशू है? ग्रामीणों ने वोट बंदी के वोट लगाए हुए घर घर में अपना कागज चस्पा किया है, कहीं ना कहीं विरोध के स्वर उठ रहे हैं, बिजली की कोई समस्या को लेकर? बिजली की इनकी समस्या है कि इनकी कॉलोनी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो गया है लेकिन इनके द्वारा जो दस्तावेज चार्जिंग परमिशन लेके देनी थी वो देने के पश्चात विद्युत विभाग द्वारा लाइन चालू कर दी जाएगी। दस्तावेज जैसे ही कार्यालय को अवगत कराते हैं दे करके तो इंफ्रास्ट्रक्चर का दस्तावेज प्राप्त होते ही अपन। तो सर 3 साल से अभी तक ये भोग रहे हैं, इसके लिए इसमें क्या है, कॉलोनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए जो कॉलोनाइजर होता है 5% सुपरविजन पे अपना वर्क एग्जीक्यूट कराता है और इसकी पूरी जवाबदारी कॉलोनाइजर की होती है वर्क एग्जीक्यूट कराने की। वर्क पूर्ण होने के पश्चात हमें रिपोर्ट देता है और रिपोर्ट के आधार पर हम हैंडिंग ओवर की कार्रवाई करते हैं।
गलती कॉलोनी बिल्डअप करने की उनके पास जो समय अवधि है उसके अंतर्गत वो कॉलोनी का काम करते हैं, तो गलती और सही मानने का इसमें नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ देते हैं हमारे पास तो हम उसको हैंड ओवर लेके लाइन चालू कर देंगे। सर, ग्रामीणों ने वोटबंदी का बात की है कॉलोनी नाइजर्स के खिलाफ, कुछ इशू है, क्या इशू है? ये ज्ञापन प्राप्त हुआ था कॉलोनी वासियों की तरफ से, जिसके संबंध में आज हम यहाँ मौका जांच करने आए हैं। साथ में हमारे सीओ जनपद और सीएमओ नगर पालिका भी उपस्थित हैं और बिजली विभाग से भी एई साहब उपस्थित हैं। हमने मौका जांच किया है और काफ़ी सुविधाओं का अभाव यहाँ पर देखा है, जिस अवधि में इनको प्रोजेक्ट वगैरह पूरा कर लेना चाहिए था अभी कम्प्लीट नहीं हुआ। इस संबंध में हमने तय किया है कि एक जाँच दल गठित करें और विस्तृत जाँच कराएँ। सर, चुनाव के बहिष्कार की बात सामने आ रही है, हमने कन्वेंस किया है लोगों को और हमने कहा है कि आप इस संबंध में सहयोग करें और अधिक से अधिक वोट दे के आप अपना मत इस चुनाव में मतलब दें। वर्धमान सिटी के बाशिंदों के वोट न देने के फैसले के बाद यहां का रुख किया है तहसीलदार सहित विद्युत विभाग के जिम्मेदार अफसर, अब यहां कमियों को दूर करने का रास्ता खोज रहे हैं। अफसर रहवासियों को वोट देने के लिए मनाते दिख रहे हैं, लेकिन यहां ये सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिरकार हर बार विरोध के स्वर उठाने पर ही प्रशासन सक्रिय होता है, वरना 3 सालों से हो रही रहवासियों द्वारा शिकायतें क्या प्रशासन के पास महज एक पर्चे का टुकड़ा बनकर रह गई थी।